की कक्षा में बताने जा रही हूँ कंडक्शन के बारे में। कंडक्शन जिसको हिंदी में हम चालन विधि भी कहते हैं। बच्चों, कंडक्शन का जो मेथड होता है वो हीट ट्रांसफर का एक मेथड होता है। हीट ट्रांसफर यानी ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में या एक ही वस्तु के एक सिरे से दूसरे सिरे। और आज कंडक्शन के इस मेथड को मैं आप सबको समझाने जा रही हूँ एक प्रयोग द्वारा, जिसे आप सभी अपने घरों में बहुत आसानी से कर सकते हैं बहुत कम चीजों के साथ, और ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज इस प्रैक्टिकल को, इस प्रयोग को करने के लिए हमें किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। आइए डालते हैं एक नजर। सबसे पहले हमें चाहिए है स्केल। मैंने यहाँ स्टील का एक स्केल लिया हुआ है और मैंने यहाँ कुछ ली हुई है ऑल पेस्ट। मैंने ली हुई एक कैंडल, एक मैचस्टिक और मार्कर, या आप ले सकते हैं एक स्केच पेन। तो बच्चों, सबसे पहले हम करेंगे क्या, इस स्केल पे मैं लगा रही हूँ कुछ मार्क ए बी सी डी। आप लोग चारों ही मार्क को थोड़ी दूरी पे लगाइए कुछ इस प्रकार से। इन चारों ही मार्क पर हम क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे ऑल पेंस। और ऑल पेंस हम लगाएंगे कैसे, हम लगाएंगे वो जो वैक्स है उसकी सहायता से। तो बच्चों, हम इन चारों ही मार्क पर इन पिंस को लगाएंगे कुछ इस प्रकार। मैं थोड़ा पास से आपको दिखाती हूँ। वैक्स के सूखने से पहले आप केयरफुली इन पिंस को लगा दें इन मार्क्स के साथ। आप देख सकते हैं मैंने ए बी सी डी चारों ही मार्क्स पर पिंस लगा दिए हैं। अब इस वैक्स को हम थोड़ा ड्राई होने देंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये चारों ही पिन इसमें हैंग हो गई हैं। अब यहाँ हम चाहे तो ईटों का कोई स्टैंड बना सकते हैं। यहाँ मैंने बुक्स का एक स्टैंड बनाया है जिसके नीचे मैं लगा रही हूँ इन्हें, और यहाँ हम अपनी कैंडल को प्लेस कर देंगे। कुछ इस प्रकार से कि उसका आगे का जो हिस्सा है सिरा वो कैंडल के फ्लेम के नीचे आए और वो हीट होना स्टार्ट हो जाए। आप देख सकते हैं किस प्रकार एक पिन ऑलरेडी इसमें से गिर चुकी है। इसी प्रकार एक एक करके ए फिर बी सी डी चारों ही पिन लगातार लाइन से इसी सीरीज में गिरेंगी। एक सिरा गर्म होने के बाद धीरे धीरे यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आगे हीट एनर्जी पास ऑन करते रहेंगे और इस पूरे स्केल को गर्म कर देंगे, जिसको हम कंडक्शन का मेथड या चालन विधि कहते हैं। और कुछ इस तरीके से हम कैंडल को प्लेस कर देंगे और देखेंगे कि वन बाय वन किस तरीके से पिन्स नीचे गिर रही हैं। पहले पॉइंट नंबर वन की पिन गिरेगी। जैसा कि आपने देखा कि एक पिन ऑलरेडी गिर गई है, अब देखते हैं बी सी डी पिन्स के साथ क्या होगा। देखा आपने, बी नंबर की पिन भी गिर चुकी है और आप अच्छे से समझ गए होंगे किस प्रकार कंडक्शन मेथड काम करता है, कैसे मॉलिक्यूल्स ने दूसरे मॉलिक्यूल्स को और उन्होंने फर्दर आगे के मॉलिक्यूल्स को हीट अप कर दिया है, हीट एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है, और किस तरह ए के बाद बी पिन भी नीचे गिर गई है। दूसरी भी हमारी पॉइंट बी की भी पिन जो है वो गिर गई है, और इस प्रकार से जो हमारा कंडक्शन चालन विधि है इस प्रयोग से सिद्ध होती है कि कंडक्शन के अंदर हीट ट्रांसफर होता है फ्रॉम मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल।
हमारे पॉइंट ए की और पॉइंट बी की पिन गिर चुकी हैं और अब हम वेट कर रहे हैं अपना पॉइंट सी और डी के लिए। आप देख सकते हैं हमारे पॉइंट सी की पिन भी नीचे गिर गई है। तो बच्चों, आपने आज इस प्रयोग के माध्यम से देखा कि किस प्रकार हम कंडक्शन मेथड को प्रयोग विधि के द्वारा समझ सकते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये प्रयोग, ये प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसके माध्यम से कंडक्शन मेथड या चालन विधि जो ई ट्रांसफर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है, आप सबको सही से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।